देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। छत्तीसगढ़ में अभी बीपीएल और एपीएल के करीब 58 लाख राशन कार्ड संचालित हो रहे हैं। इन सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके लिए लोगों को कहीं भटकना नहीं होगा, बल्कि राशन दुकानों में ही राशन दुकानदार उनकी राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे। नए साल में छत्तीसगढ़ भी देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां के राशन कार्ड वाले भारत में किसी भी राज्य के राशन दुकान से राशन ले सकेंगे। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और नए साल यानी जनवरी से काम भी शुरू हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12,300 से ज्यादा राशन दुकानों को टैबलेट बांटे जाएंगे। टैबलेट बांटने और उसे 5 साल तक मेंटेनेंस करने का काम टेंडर पाने वाली कंपनी करेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अफसरों के अनुसार अभी तक देश के करीब 20 राज्यों में ये योजना शुरू हो गई है। इस काम में मदद के लिए टेंडर पाने वाली कंपनी के कर्मचारी भी वहां मौजूद रहेंगे। लोगों और राशन दुकानदारों की मदद के लिए खाद्य विभाग की ओर से 24 घंटे और हफ्ते भर काम करने वाला हेल्प डेस्क भी खोला जाएगा। इसके लिए कॉमन नंबर भी जारी किया जाएगा। किसी भी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी निरंजन दास ने बताया कि वन नेशन वन कार्ड के लिए सबसे पहले अक्टूबर 2019 में लगभग 57.60 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। उस समय डिवाइस और काम मेंटेनेंस का टेंडर 3 साल के लिए था। तकनीकी सुधार के बाद इस टेंडर में रेंटल की अवधि 5 साल कर दी गई। इस वजह से इसका बजट भी बढ़कर करीब 100 करोड़ हो गया। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 17 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 5 साल के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से आवंटित रकम का समायोजन भी इसी बजट में किया जाएगा। नए टेंडर में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हाईटेक टेक्नोलॉजी के डिवाइस लिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मोबाइल टर्मिनल डिवाइस स्पेसिफिकेशन के तहत डिवाइस का चयन किया गया है। इसके तहत टैबलेट की स्क्रीन साइज 7 इंच और इसका सिस्टम एंड्रॉइड पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।